यकीन हो गया, ये वही है जो पीपल के पेड़ पे खंडर के पीछे उल्टी लटकती है। आते जाते बच्चों को डराती मनुष्य। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, दिल पे मत लेना। अच्छा बता, तू ले ले, आप मत लेना। अब बताइए फिर चारों बच्चों के नाम क्या क्या है? वेरी गुड, पड़ोसियों की भी मदद आई है। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, पीपी प्यारे पड़ोसी, इनके लिए प्राइज। लेकिन उससे पहले एक और सवाल, मेरी बीवी का क्या नाम है? हेमा मालिनी। और उनके बच्चे हैं ईशा और आयना, तो सनी और बॉबी की माँ कौन है बताओ? ट्राई करोगे? कौन ट्राई करेगा? अब करेंगे, रुक जाओ, आ रहा हूँ आपके पास। ये आपका प्राइस रख लो, इसमें कंघी है, बाल बनाओ। के सामने बैठे उड़ गए सर। वेरी गुड, यहाँ पे कोई समझदार आदमी लग रहा है मेरे को। क्या नाम है तुम्हारा? इधर लाइट में जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम BrickRed का गौरव बढ़ा सकते हो अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो। बताओ मेरी पहली बीवी का क्या नाम था? राजकुमार दिया। बिल्कुल सही जवाब है, सोच हटा लिया। तुम जानते हो मैंने पहली शादी करी, लेकिन मेरी पहली बीवी ने मुझे तलाक नहीं दिया और मैं दूसरी शादी भी कर ली, जबकि हिंदू एक्ट के हिसाब से एक आदमी दो बीवी नहीं रख सकता था। तो बताओ मैंने दूसरी बीवी से शादी कैसे करी? और जब मैं मुस्लिम बना तो मेरा क्या नाम था? तू कमा रहे हो, गलत जवाब है। कौन बताएगा? पहले वाले का तो पहले बताओ, कौन बताएगा? जब मैंने धर्म चेंज किया तो मेरा नाम क्या था? उसामा बिन लादेन। थैंक यू वेरी मच। फिर कोई पकड़ता हूँ, अब ये प्राइस हमारा। कंग्रेचुलेशंस गौरव के रिजल्ट है, तालियां। जो ताली नहीं बजाएगा उसके बाजू में जो बैठा सुबह बीमार हो जाएगा। और पड़ोसी का ध्यान रखें। उसामा बिन लादेन। कुत्ते कमीने, मेरे सवाल को उल्टा पुल्टा जवाब देते हो, खड़े हो जाओ। बड़े चलते चलते खींचे हो थोड़ा सा। नाम क्या है तुम्हारा? संजय। क्या कहते हो सवाल बिल्ला देन? तुम अगले सवाल का जवाब दो। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें मेरी पूरी फैमिली थी एक्सेप्ट मैं? अच्छा, आपने पाल रखे हैं? वेरी गुड। सेक्रेटरी कौन है यहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारा? पिक्चर का नाम क्या था? सही जवाब है, इतना सपने देख रहे हो क्या? देख रहे हो? हाँ ठीक है, एक सेंटेंस तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें उस सेंटेंस को मानना है। मानना है। जानते हो हिंदुस्तान के कुत्ते इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि मैं सबका खून पी जाता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारा नहीं पीऊंगा। आप मेरे साथ, मैं अपना नहीं पीऊंगा, बस आप मेरे साथ स्टेज पे चलो। तू बड़ा खुश हो रहा, तू भी आ जा, ग्लास लेके आ जा और मेरे लिए ले ले। यहां से कौन आएगा? सबसे सुस्त लग रही है तुम, एक्टिव बनना चाहिए मेरे को। वहां से आपके पति हैं, आप तो भी आई थी, अब पति को भी मरवा रही हो? जा बेटा तू भी जा यहां से। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? चंदन सपदम चंचल चितवन। और स्टेज पे जल्दी भाग के जाओ, मैं सबसे पहले पहुंचेगा उसके लिए 1 करोड़ का इनाम है। और यहां से तुम आओगे, आ जाओ और साथ में और कोई आना चाहते हैं? यहां से एक लड़का और आप आओगे? वेरी गुड।
जोरदार तालियां। क्या उम्र है तुम्हारी? 20। तो बेटे दूर से हाथ रखो, तुम्हारी बाप की उम्र कहूं? हाँ बताओ, 20 साल के हो, ये क्या कर रहे हो? सलमान खान की एक्टिंग कर रहे हो क्या? बीच बीच में सलमान खान की आत्मा आती है क्या तेरे अंदर? क्या बे बोलना, ये क्या था? वेरी गुड। अच्छा शादी हो गई? लगता नहीं है तुम्हारे चेहरे से। वेरी गुड, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं ये और मेरी धर्मपत्नी बसंत। मसीह जी कहाँ है? क्या नाम है आपका? अंकुर। अंकुर कितने साल के हो? न्यू बॉर्न बेबी। न्यूली बॉर्न बेबी, थोड़ा टाइम तो हो गया, वो कटा हुआ है बीच का। और आपका नाम? अतुल। अतुल, वेरी गुड, काफी पढ़ाकू लग रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? हाँ। वही होते हैं ऐसे पढ़ाकू लग रहे हैं बिल्कुल। और तुम्हारी हॉबी क्या क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत ही नीरस किस्म का आदमी है। और आपका नाम तो आपने बताया था, अनुराग। अनुराग, आप सब शादीशुदा नहीं हो? तो शादीशुदा है तभी तेरी कोई हॉबी नहीं है। शादी के बाद आदमी अपनी बीवी को दो ही चीजों पर डांटता है, पहली चीज कि तुम्हारा बच्चा हमेशा रोता क्यों रहता है, सारा इल्जाम अपनी बीवी पे लगाते थे, जब बच्चा रोता है तो जैसे खुद ने मेहनत ही नहीं करी हो। और दूसरी बार जब उसकी बीवी तैयार होने में टाइम लगाती है, तुम्हारा तैयार नहीं हुई, तुमने साड़ी नहीं पहनी, तुमने मेकअप नहीं किया, तो आज तुम सबको मौका दिया जाएगा कि तुम बीवियों के तरह तैयार होकर दिखाओ। बहुत मजा आएगा, रुक जाओ, जो जाएगा मिस्टर सिंगल उसकी आधी सैलरी काट देंगे, ठीक है? ये ग्लास तुम्हें रखना पड़ेगा बेटे पी के, अब बेइज्जती खराब न करना था, रुकी पी जाओ। बटम्स अप, बटम्स अप। ओके, जोरदार ताली हमारे सभी परफॉर्मर्स के लिए। क्यों नहीं करने वाले, करना पड़ेगा। ये साड़ी पकड़ो, एक तुम पकड़ो, निकालो, कोई बात नहीं। ये तीसरी साड़ी, ये चौथी साड़ी, बड़े शक्ल देख के दे रहा हूं मैं, ये लो, तुम्हारे तो ब्लाउज से भी मैच कर रही है। वेरी गुड, थोड़ी सी माफी चाहता हूं, साड़ियों पे फॉल नहीं लगी हुई और पीकू भी नहीं हुआ हुआ, कोई बात नहीं, तो क्लब मजा आएगा, खुद को पहननी है, जस्ट रैप इट अराउंड योर वेस्ट, प्लेट्स अच्छे से बनाना और फिर पल्लू डालना, ठीक है? जोरदार तालियां। ओके, हमारे सारे नौजवान तैयार हैं साड़ी पहनने के लिए, लड़की बनने के लिए। आपका समय रुक जा बे, अबे शॉल नहीं ओढ़नी, साड़ी बांधनी है, रुक जा, आराम से प्लेट्स, थोड़ा सा गैप गैप गैप, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और इधर हो जाओ, डी बना लो डी, बेटे सुधीर यहाँ आ जाओ, वेरी गुड, थोड़ा गैप बना के, और रेडी हो, प्लीज प्ले द म्यूजिक। बेटे पहनो, मैं भी पहनूंगा बाद में, पहनो। अच्छा तो मुझे पहना दे यार, पहनो पहनो फटाफट। पल्लू डालो, पल्लू पल्लू, वेरी गुड, पहन लो मल्लिका शरावत। लगता है बेबी फ्रिज में से निकल गया है, बंद कर दो,
अनुराग नहीं पड़ेगी थोड़ी सी पहलो इज्जत तो बचा लो अपनी बेटे पूरी पहनो बेटे चिचोरेपन पे मत आओ पूरी पहनो वेरी गुड हाँ पहन के रखो वेरी गुड इनके लिए जोरदार ताली इतनी मेहनत कर रहे हैं अब आप सबको एक एक डायलॉग बोलना है ठीक है आप सबको बोलना है बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना ठीक है मेरी स्टाइल में ओके जोर से बसंत इन कुत्तों के सामने बिल्कुल मत नाचना बिल्कुल भी ऐड कर बिल्कुल भी ऐड कर दिया साड़ी पहले पूरी है बेटे अभी अभी गेम बाकी है तो तुम्हें डायलॉग बोलना है रेडी बोले कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा ऐसा लग रहा था धर्मेंद्र नहीं अमोल पालेकर बोल रहा डायलॉग सर मैं आपका खून पी जाऊंगा सर वेरी गुड कोई बात नहीं अच्छा है बेटे पूरा ढको सिगरेट फिल्म नहीं है ये एक रेट है ये देखो परफेक्ट कांता भाई लग रही है तुमको डायलॉग बोलना है शाह मेरा पगार बढ़ा दो शाह अभी तक आप में इतना पगार में काम नहीं करेगी शाह मेरा कबाब बढ़ा दो इतना काम में काम नहीं करेंगी इसका कबाब बढ़ा दो क्या कह रहे हो उतर रही है बार बार बेटे आई एम श्योर अबाउट दिस कि तुम शादी के बाद अपनी बीवी को मतलब शादी तो हो चुकी है अब अपनी बीवी को कभी तैयार होने में लेट होने पर नहीं डांटोगे खाओ कसम मैं कभी डांटता नहीं लाडले खामीज हैं ओके अब आप बिठा लो बोलो बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना मिस्टर एल के अडवाणी कितने वोट मिले तुमको कुछ ना कुछ तो पहनना चाहिए था ना चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा ढक लो कुछ एक प्लेट तो बना लो इतना मत जागो मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं पल्लू डाल लो कम से कम यार डाल लो यार मेरे दोस्त गले मिल लो यार घबराते क्यों नहीं चलो ठीक है अभी सबने साड़ी उतार दी वापिस उठाओ जल्दी उठाओ अभी गेम खत्म नहीं हुआ हाँ पल्लू डाल लो और अब तुम सबको डांस भी करना है और डांसिंग पे सब पॉइंट्स देंगे जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारा विनर और इसके लिए स्पेशल प्राइज भी है Come on guys, play the music please. वो वाला गाना लगाओ जब गब्बर सिंह ने उसको नचाया था ना हेलन को हाँ वो वाला गाना लगाओ पल्लू डाल लो कोई बात नहीं हेलन नहीं डाल दी तुम तो डाल लो तुम हेलन थोड़ी हो से ज्यादा नचाऊंगा तो लोग कहेंगे यहाँ पे डांस बार खोला क्या